hello everyone welcome back to my channel chem talks by pooja malik in today's video we are going to start a new chapter the human eye this chapter is included in your dav books of class 8 if we talk about the human eye we already know that it is a very important part of our human body and because of it only we can see if we want to summarize the minimum conditions which are required for us to see any object is the presence of light and a human eye, which will be able to perceive that light. So, it is a very important organ of our body, and we must know the details about it that we are going to discuss in today's video. So, please watch the video and subscribe to my channel. And if you find the video useful, please give it a like. So, let's start. सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की इम्पॉर्टेंस की जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया वो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में चीजों को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है राइट फॉर एग्जाम्पल वी आर एबल टू रीड बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन आइज वी आर एबल टू राइट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आईज वी कैन सी द थिंग्स अराउंड आस ऑब्जर्व थिंग्स अराउंडर्स वी कैन ऑब्जर्व द नेचर अराउंड आर्स बिकॉज ऑफ आर आइज ओनली बट द क्वेश्चन विच अराइजेज नाउ इज दैट

उसका मेन सोर्स सन होता है सो so, सन से जो लाइट रेज आती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं। सो द रेज विच फॉल फ्रॉम द सन ऑन एनी ऑब्जेक्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइट रेज ट्री पे फॉल करेंगी ट्री पे फॉल करने के बाद इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी ह्यूमन आई पे फॉल करती हैं उसी लाइट रेस की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाते हैं एग्जैक्टली exactly क्या होता है इन लाइट रेस का ह्यूमन आई पे फॉल करने के बाद वो प्रोसेस हम नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई में इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस बट इन टूडेज वीडियो पहले हम ह्यूमन आई को अच्छे से समझेंगे कि ह्यूमन आई एक्चुअली में दिखता कैसा है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या हैं एंड उन इम्पोर्टेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं राइट right? सो लेट्स कंटिन्यू दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई यहां पर आप देख सकते हैं जो लास्ट लेयर है ब्लैक आउटलाइन वाली दैट इज द कॉर्नियर इसका फंक्शन पे भी डिस्कस करेंगे इन जनरल अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन आई होता है उसका जो शेप होता है नियरली स्फेरिकल होता है ठीक है बिल्कुल परफेक्ट स्पेरिकल भी नहीं होता बट ऑलमोस्ट फेरिकल होता है अगर आप सामने से अपनी आईज को ऑब्जर्व करें तो क्या आपको आई स्फेरिकल दिखती है नो वी डोंट सी आईज ए स्फेरिकल बट अगर हम आईज को ऑब्जर्व करते हैं जैसे आपने देखा होगा मॉडल्स वगैरह में आपको आई बॉल्स शो की जाती है राइट right? सो so, वो आई बॉल्स कैसी होती हैं धोज आई बॉल्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड अगर साइज की बात करें तो जो ह्यूमन आई होती है बच्चों उसके जो डायमीटर होता है इट इज जनरली टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अराउंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन साइज बट अप्रोक्सीमेटली साइज इतना ही रहता है नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच इज कॉर्निया ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है आई का ठीक है जी जो लाइट एंटर करती है आई से वो इसी ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस से करती है एंड दिस इज नोन एज कॉर्निया ऑफ द आई इस डायग्राम में आप इसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं जो आपको ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है बाहर की तरफ इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया ऑफ द ह्यूमन आई ओके नाउ इफ यू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया सो व्हाट इज दैट द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज दैट इट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एनी हार्मफुल बैक्टीरिया एनी हार्मफुल एजेंट्स डस्ट

to maintain proper eye pressure, which is also a very important rule, clear? Chalo. Next move on to the next part, which is iris. If we talk about iris, it is a dark colored muscular diaphragm, which is present behind the cornea of the eye. If we talk about the function, what is the role played by the iris in the eye? द आइरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैरक्टरिस्टिक कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बच्चों जो आप आईज देखते हो ह्यूमन आई एंड हम बोलते हैं कि हर आइज आर ब्राउन हर आइज आर ब्लू हर आइज अर ब्लैक सो जो कलर हम डिस्क्राइब करते हैं दैट इज एग्जैक्टली द कलर ऑफ द आईरस जैसे कि आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी ह्यूमन आईज शो की हुई है राइट And आप देख रहे हो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन है सो so, ये जो पिगमेंटेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द आई रेस ओनली नेक्स्ट अगर हम बात करें अच्छा इसी डायग्राम में आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपका कलर ऑफ दी आई होता है आपकी आईस किसी भी कलर की हो वे द्राउन ब्लैक ब्लू बट सेंटर में हर आई के एक डार्क ब्लैक कलर का सर्कुलर पार्ट प्रेजेंट होता है जो हर आई के लिए ब्लैक ही होता है बच्चो उसी को हम प्यूपल बोलते हैं उसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सो आई होप द फर्स्ट फंक्शन इज क्लियर टू यू आयरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फंक्शन ऑफ आयरस इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पीपल वट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस आयरस का सेकेंड रोल क्या है हमारी आईस में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा कब हमारी आईज में ज्यादा लाइट रेज एंटर करनी चाहिए कब हमारी आईज में कम लाइट रेज एंटर करनी चाहिए ये कौन डिसाइड करता है आयरस कैसे डिसाइड करता है बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पीपल जस्ट एज आई टोल्ड यू नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो दिस इज द आयरस अगर आप आयरस का कलर देखो यहां पे आपका लाइट ब्लू कलर है आई का योर कलर ऑफ द एंड उसके सेंटर में आप विजुअलाइज कर सकते हो एक डार्क ब्लैक कलर का सर्कुलर ओपनिंग है राइट इसी ओपनिंग को हम बच्चों क्या बोलते हैं प्यूपिल एंड आईरस का फंक्शन यही होता है बच्चों कि वो इस प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करता है डिपेंडिंग कि हमारी आईज में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए कैसे यहां पे आप देख सकते हो इसके लिए हम पहले प्यूपिल को थोड़ा सा और समझेंगे फिर देखते हैं कि साइज इसका कब हमें स्मॉल रखना होता है कब हमारे आईरिस का साइज स्मॉल रखता है एंड कब उसको एक्सपैंड करता है ठीक है जी टॉकिंग अबाउट द प्यूपल ऑफ द आई इट इज अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग प्रेजेंट इन देंटर ऑफ द आईरिस हमारी आईस आईस के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है आईरिस एंड उसी कलर डायफोग्राम विच इज योर आयरस के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है योर प्यूपल प्यूपिल इज अ ब्लैक कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड इट इज अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग एंड नाउ द नेक्स्ट लाइन आप रीड करो द साइज ऑफ दिस ओपनिंग और ए पर्च्यर इज वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टेबल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट बिकॉज द साइज ऑफ दिस ओपनिंग इज वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टेबल तभी तो आईरस उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर पाता है टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग दी आई सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दी प्यूपल नाउ यहां पे हमारा एक क्वेरी अराइज हो सकती है दैट यू नो वाई ड्यूपल अपियर ब्लैक आईरस के तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं बट हर आई में प्यूपल का कलर ब्लैक ही क्यों होता है वाई डज इट हैपन सो बच्चों ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पार्ट वेयर प्यूपल इज प्रेजेंट देयर नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट द लाइट एंटर्स द कॉर्निया देन पासिस थ्रू द आयरस देन गोज टू दईलेस बट प्यूपल अपेयर्स ब्लैक सिंस नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्यूपल आई होप ऑल इफ यू विल रिमेंबर इट नाउ चलो नेक्स्ट अब हम प्यूपिल और आई के फंक्शन को रिलेट करते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आईरस का फंक्शन क्या होता है इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय द साइज ऑफ द प्यूपिल राइट सो कैसे एडजस्ट करेगा लाइट की हमारी आईज में रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट कब होगी जब लाइट का अमाउंट कम या ज्यादा होगा जैसे हम नॉर्मल सेम एक एनवायरमेंट में बैठे हैं उस टाइम पे हमारी आईज में जितनी लाइट एंटर कर रही होगी दैट इज सफिशियंट ना तो उस टाइम पे हमारी आईज को ज्यादा लाइट की जरूरत है ना ही कम लाइट की जरूरत है बट अगर हम एकदम से डिम लाइट वाले रूम में जाए तो क्या हमारी आईज ये नहीं चाहेंगी कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट मिले सो दैट वी कैन विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विदाउट एनी स्ट्रेन राइट सो उसी को कौन परफॉर्म करता है व्हाट इन डिम लाइट the pupil gets enlarged why does the pupil gets enlarged it gets enlarged so that more amount of light can enter the eye and we can see the objects around us without any strain so that is the role of iris only iris enlarges the pupil the opening present in the center of the iris to let more amount of light enter the eye नाउ डिम लाइट का तो हमने डिस्कस कर लिया सिचुएशन विल हैपन इन दी ब्राइट लाइट कैन एनी बडी टेल यस द एग्जैक्ट विल हैपन इन ब्राइट लाइट बिकॉज जब हम ब्राइट लाइट में एकदम से जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम घर में हैं एंड एकदम से हम टेरिस पे जाए ठीक है जी तो उस टाइम पे एकदम से सनलाइट हमारी आईज पे फॉल करती है तो कुछ सेकेंड के लिए आप एकदम से क्लियरली कुछ भी नहीं देख पाते वो इसीलिए होता है बिकॉज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इज एंट्रिंग थ्रू द आई सो उस टाइम पे आई क्या करता है बच्चों प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई ड्यूपल कॉन्ट्रैक्ट इन ब्राइट लाइट सो दैट लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द आई एंड वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विदाउट एनी स्ट्रेन टू द आई आई होप इट इज क्लियर टू यू द एक्सप्लेनेशन And now you can visualize it through a diagram also. Let's see the next diagram. See, first image is when we are seeing the objects in the dark. In that case, you can see the size of the pupil is enlarged as compared to the normal eye, so that more amount of light enters the eye. In the second diagram of the eye, you can see that it is visualized in a bright lit place. In that case, the size of the pupil gets contracted so that less amount of light enters the eye. So, this is the difference. This diagram uh, very fluently explains the difference between the two situations. So, with this, I hope we have cleared the difference and the exact functions of the iris and the pupil present in the eye. Now, what happens when the light passes through the iris or the uh, pupil of the eye that light rays goes to the eye lens. the light rays falls on the eye lens of the eye uh, in the chapter light the refraction of light and dispersion we have studied about the different type of lenses we have two spherical lenses convex lens and concave lens if we talk about the eye lens in the human eyes convex lens is present

जो आइलेंस होता है वो कैसा होता है हमारे ह्यूमन आइज में कॉन्वेक्स लेंस नाउ लेंस हमने कौन सा होता है वो देख लिया इसका फंक्शन भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेंस फंक्शन की बात करें सो लेंस क्या करता है इट फोकस द लाइट एंटरिंग द आई जितनी भी लाइट रेस आईज में एंटर करती हैं ये उनको क्या करता है फोकस करता है ओके okay जी Now next important part is ciliary muscles. If we talk about the ciliary muscles, what is the role of ciliary muscles and what are ciliary muscles exactly? So ciliary muscles बच्चों क्या करते हैं जो हमारा eye lens होता है, उसको center में hold करके रखते हैं. Basically eye lens के ऊपर और नीचे जो muscles present होते हैं, उनको हम ciliary muscles बोलते हैं. If we talk about the function Ciliary muscles help us in जिंग द करवेचर एंड हैं फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस which is a very important function. कैसे देखो हमें पता है हम अगर किसी की आईज नॉर्मल है मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है एंड दे can सी क्लियरली सो उस केस में आप अपने पास वाले ऑब्जेक्ट को भी उतने ही क्लियरली देख पाते हो एंड जैसे ही आप अप अपनी आईज ऊपर करते हो विद इन सेकेंड आप किसी बहुत ज्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट पे भी फोकस करके उसको क्लियरली देख पाते हो तो ये जो एडजस्टमेंट है कि आप अपने पास वाले ऑब्जेक्ट को भी एंड एक बहुत ज्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली विजुअलाइज कर पाते हो विद फोकस ये आई लेंस का फोकस एडजस्ट करने में हेल्प करता है ठीक है सो ये जो आपका आई लेंस का फोकस एडजस्ट होता है पास वाले ऑब्जेक्ट पे एज वेल एज दूर वाले ऑब्जेक्ट पे ये कौन करता है Ciliary muscles, okay. So we can conclude that these muscles help in changing the curvature and hence the focal length of the eye lens So you see it is a very very important function. Okay, gee? So till now we have discussed about the cornea, aqueous humor, iris, pupil, eye lens and ciliary muscles. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच वी हैव टू स्टडी इज रेटिना व्हाट इज रेटिना इट इज बेसिकली द स्क्रीन ऑफ द आई ठीक है जी बेसिकली जो हमारा लाइट रेज आईलेंस से क्रॉस होके okay जाते हैं एंड उसके बाद वो लाइट रेज इंटरसेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ओके जी डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द रेटिना ऑफ द आई नाउ सो वी कैन से दैट रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बिकॉज ऑब्वियसली जब रेटिना पे लाइट फॉल करता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है एंड इमेज फॉर्मेशन करता है ठीक है जी चलो अभी हमने पढ़ा कि आईलेंस से जब लाइट रेस पास होकर रिफ्रैक्ट होके जाते हैं तो इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे नाउ वी मस्ट नो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म सो इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट formed by the islands is obtained on the retina of her eye. ठीक है But हमें retina को भी detail में समझना पड़ेगा और retina में क्या present होता है वो कैसा दिखता है So next आप diagram देख सकते हो ये आपका microscopic level पर diagram दिया हुआ है और retina के अंदर further क्या present हुआ है A section of retina is being shown to you. From this section of retina we have to study two type of cells. particularly which you can see as rod cell

एंड अभी जैसे मैंने आपको बताया फोटो रिसेप्टर सेल्स में हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं रॉड शेप्ड सेल्स एंड कॉन शेप सेल्स तो आइए अब इसकी डिफरेंसेस को देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल्स एंड वॉट इज देअर फंक्शन इफ यू टॉक अबाउट रॉड सेल्स बट रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन डिम कंडीशन फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट तो उस टाइम पे जो रेटिना होता है उसमें प्रेजेंट रॉड सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है जी कौन सेल्स की बात करें कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन सो इफ वॉन्ट टू डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दिस रोल इज प्लेड बाय कोन सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई अच्छा एक बात बताइए रॉड सेल्स का फंक्शन क्या होता है डिम कंडीशन में हमें चीजों को विजुअलाइज करने में हेल्प करना राइट right? सो so, अगर रॉड सेल्स हमारी आईज में कम होंगे तो क्या होगा बच्चों हम डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे एंड ये हम एक डिजीज भी पढ़ते हैं विच इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एच इज नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें पर्सन डिम लाइट में नहीं देख पाता है बिल्कुल भी सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस और द प्रेजेंस ऑफ फ्यूअर नंबर ऑफ रॉड सेल्स ओके ऐसे हम कौन सेल्स में भी रिलेट कर सकते हैं

इसके बाद जो टॉपिक है विच इज योर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई हाउ आर वी एबल टू सी कलर्स, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेराइटी ऑफ न्यू टर्म्स विच आर डिस्कस्ड एंड रिलेटेड टू द ह्यूमन आई इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो सो प्लीज बी देयर टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच